तो क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? किस बारे में? तुम अपने किसी भी हतमी फैसले तक पहुंचो या यूं कहो कि जब तक तुम इस घर में हो, ये जो कुछ तुम कर रही हो इसका ऐलान मत करना। तुम्हें अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरी मां छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। कल रात भी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम उनके खैरियत दरियाफ्त करना? मुझे पता नहीं था। कहां से पता होगा? इस घर में होते हुए भी तुम कहीं और होती हो। फिर से ताने। मैं इस वक्त आपके कोई भी ताने सुनने के मूड में नहीं हूं। खैर, मैं भी मजीद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हूं। तुम्हें जो भी फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी इस चीज का ऐलान मत करना, क्योंकि जब तुम्हें हम इस घर में लेकर आए थे, इस घर में बहुत सुकून था। कम से कम जाते हुए इस घर का सुकून तो लौटा सकती हो तुम। हैरत है, मैं इतनी अहम कब से हो गई? खैर, जल्दी मुझे भी नहीं है। और जहां तक बात अम्मी की है, तो कभी ना कभी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। वो अलग बात है कि वो प्यार सिर्फ हैदर की बीवी के लिए था। फिक्र मत करें, ये एहसान उतार के जाऊंगी। क्या मेरी माँ का ये बड़ापन नहीं है कि अपने बेटे की खातिर ही सही उन्होंने तुम्हें प्यार तो दिया है? तो मैंने भी यही कहा है कि अपने बेटे की खातिर ही उन्होंने मुझे प्यार दिया है। सास अपने बेटे की खातिर ही बहू से या तो मोहब्बत करती है या नफरत। मेरी माँ ने तुम्हें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत जलील भी किया, मेरे किरदार पर उंगलियां भी उठाई। किरदार की बात तुम मत किया करो। क्या मतलब? क्यों क्यों ना करूं किरदार की बात? क्या मैं बदकिरदार लड़की थी? दिलनशीन, शादी से पहले जो कुछ भी था तुम्हारा वो माफ कर दिया था मैंने, लेकिन शादी के बाद तुम जैसी लड़कियां जब ये सब कुछ करती हैं तो उन्हें बदकिरदार ही कहा जाता है। नीचे जाओ और जाके मेरी मां से उनकी तबीयत का पूछो। हमजा से तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। याद रखना ही है।